हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका शेफ नायब और मेरा चैनल कुकिंग वाइफ 09 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, आज जो मेरी रेसिपी है वो है मैंगो जैम, या देसी जवान में आप इसको आम की मीठी चटनी भी बोल सकते हैं। और ये चटनी इतनी मजेदार और टेस्टी है दोस्तों कि आप इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ या ब्रेड के साथ आप इसको अच्छे तरीके से खा सकते हैं। बहुत ही कम टाइम, सिर्फ 5 मिनट में आप इस चटनी को बना सकते हैं। 5 मिनट में बनाइए आप मैंगो जैम। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, अगर दोस्तों मेरी इस रेसिपी को आप जरूर घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये वाली रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, आपकी खट्टी मीठी चटनी या आप इसको जैम भी बोल सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं। खट्टी मीठी चटनी जब हम बना रहे हैं तो आम की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये है कच्चा आम, लेकिन खट्टा नहीं है, ये मीठे वाला है, कलमी आम है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपने ऐसे ही आम लाना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा इसमें चटनी में यूज करूंगा कलौंजी। ठीक है दोस्तों, ये है चीनी, इसी की, और यहाँ पे लिए मैंने 2 साबुत लाल मिर्च। दोस्तों, आपने क्या करना है, आम को कद्दूकस वो छील के इसको कद्दूकस कर लेना या ग्रेड कर लेना है। यहाँ पे मैंने पहले से ग्रेड करके रखा हुआ है, ये आपको दिखाता हूँ। ये है आम, इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेड करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको पहले आपने क्या करना है, इसको पानी से एक उबाल इसमें लाना है और उसके बाद इसको छन्नी से छान लेना। आपने सॉस पैन लिया है और जो ये आम है हमारा, ये आम मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, एक इसमें उबाल लाना है। उबाल लाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी हमें, ये है पानी। ठीक है दोस्तों, आपने इसमें एक उबाल दे देना है। उबाल का मतलब क्या है, जो आम का जो हल्का जो खट्टापन जो भी होता है आम के अंदर, वो भी निकल जाएगा इस पानी के साथ। उबाल आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, इसको छन्नी से इसको स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अब छन्नी से हमने इसको छान लेना है ऐसे। ठीक है, एक उबाल आने के बाद जो आम का जो कलर है इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वह लाल है, लेकिन ये आम है दोस्तों। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैं डालूंगा देसी घी। ठीक है, थोड़ा सा आपने डालना है इसमें देसी घी, और घी को आपने हल्का सा गर्म होने देना है। और गर्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब हम इसमें क्या डालने वाले है ना। घी में मैंने जो ये आपको वीडियो में दिखाया था कलौंजी दिखाई थी ना, एक कलौंजी डाल दूंगा इसमें थोड़ी सी, है ना। और जो रेड चिली थी वो भी डाल दी है मैंने दोस्तों। ये रेड चिल्ली हमने तोड़ के नहीं डालनी है इसमें। ठीक है, आप सोच रहे होंगे रेड चिल्ली यार ऐसी डाल दी साबुत, ये रेड चिल्ली हमने चटनी को स्पाइसी नहीं करना है, ये तो मीठी बनानी है हमने इसको। तो जो रेड चिल्ली साबुत इसलिए उसका जो सोना सोना हल्का सा फ्लेवर आ जाए, बोले भुनने का फ्लेवर आ जाए रेड चिल्ली का, इसलिए डाल रहे हैं हम इसमें। अब थोड़ा सा हमारी कलौंजी चटकने लग जाए, उसके बाद आपने क्या करना दोस्तों, जो ये आम मैंने रखे हुए हैं ये डाल देना है ना। दोस्तों, भुनने के बाद हमारी चटनी का टेक्सचर कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं ये एकदम जैम की तरह लग रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी भुन चुकी है, अब गैस हमने कर देना है बंद। ठीक है दोस्तों, और अब इसको एक बाउल में निकाल, ये हमारी चटनी हो गई है रेडी, है ना। थोड़ा चेक करके देख लो दोस्तों, वाह